तो दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सैमसंग फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के एरर कोड के बारे में। चाहे वो टॉप लोड हो या फ्रंट लोड हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के एरर सेम आते हैं। तो यहाँ पे मैं जितने भी एरर बताऊंगा उन्हें आप ध्यान से सुनिए और अपने किताब में या मोबाइल में नोट कर लीजिए, क्योंकि कई बार हम एरर भूल जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि किस एरर का क्या मतलब होता है। इसलिए किताब में नोट कर लीजिए या मोबाइल में फीड कर लीजिए। कई बार मैं भी भूल जाता हूँ कि किस एरर का क्या मतलब है, मुझे भी निकाल के देखना पड़ता है, तब पता चलता है इस एरर का ये मतलब है। अच्छा समझ रहे हो? तो यहाँ पे मैं आपको जो एरर कोड बताने जा रहा हूँ वो ओल्ड मॉडल सैमसंग फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ओल्ड मॉडल के एरर बताने जा रहा हूँ। न्यू मॉडल के एरर कोड तो बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ पे जितने एरर बता रहा हूँ वो टोटल 20 एरर है, जिसमें डबल डबल एरर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो खैर छोड़िए, जल्दी से वीडियो में बढ़ते आगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अब आप हमारे वीडियो देख करके 5,000 रुपये तक का अमेजोन कैश कमा सकते हैं। आपको नहीं पता कैसे, तो उसके लिए देखिए ये वाला वीडियो। इस वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है। और जिन दोस्तों को पता है कि अमेजोन कैश कैसे कमाते हैं, वो आज जरूर कमाएंगे। प्लीज नीचे कमेंट करके बताइए कि किसको कितना अमेजोन कैश मिला। तो सबसे पहला एरर है E7 ओल्ड मॉडल के अंदर। ध्यान से सुनिए, हम अभी ओल्ड मॉडल के बारे में बता रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में न्यू मॉडल जो सैमसंग वॉशिंग मशीन है उसके बारे में बताएंगे। तो E7 एरर आता है वाटर लेवल सेंसर की वजह से। यदि वाटर लेवल सेंसर डिफेक्ट हो जाता है, या उसमें कोई सप्लाई नहीं आती है, या वो वाटर लेवल या उसके प्रेशर को सेंस नहीं कर पा रहा है, तब ये एरर आता है। तो उस केस में आपको जो है वाटर लेवल सेंसर चेंज करके देखना पड़ेगा, या उसकी पाइप को चेक करना पड़ेगा। हो सकता है कई बार जो है पाइप उसकी लीकेज हो जाती है या लूज हो जाती है, उस वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। और कई बार जहाँ पे इसकी पाइप लगी भी होती है वाटर लेवल सेंसर की नीचे की तरफ टैंक के पास में, वहाँ पे जो पानी की वजह से प्रेशर आना चाहिए वहाँ पे कचरा फंस जाता है, इस वजह से भी वो सेंस नहीं कर पाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे चेक करनी पड़ेगी। और आप सभी को मैं ये कहूँगा कि हमेशा एक वाटर लेवल सेंसर अपने साथ में रखिए, जब भी वॉशिंग मशीन चेक करने जा रहे हो तब। और मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ कि अपने पास में कुछ पार्ट्स होने चाहिए, ताकि आप उसे रिप्लेस करके देखो और आपकी समस्या का समाधान वहीं आपको मिल जाए। और ये हर एक टेक्नीशियन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे सारी चीज़ समझ में आ गई। दूसरा एरर है EA और EB। इस केस में आपकी जो मोटर लगी हुई होती है वो मोटर अगर डिफेक्ट हो जाती है तब ये प्रॉब्लम आती है। मोटर कौन सी? जो स्पिन करती है और जो धुलाई करती है, वो मेन मोटर जो वॉशिंग मशीन में लगी हुई होती है, वो मोटर की बात कर रहा हूँ। अगर वो बॉडी शॉर्ट हो जाए तब भी ये एरर आने आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे दो एरर देखने को मिलेंगे आपको, EA और EB। अब ये दोनों ही किस बेस पे आधारित है ये मैंने अभी तक पता नहीं लगाया, लेकिन पता लगाने के बाद मैं ज़रूर बताऊंगा। लेकिन इसका यही मतलब है कि मोटर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, या हो सकता है उसका कैपेसिटर वीक है, या कैपेसिटर उसका काम नहीं कर रहा हो, या मोटर बॉडी शॉर्ट हो गई हो, या मोटर डिफेक्ट हो गई हो, या काम ही नहीं कर रही। उस केस में आपको EA और EB एरर कोड आपको देखने को मिलेगा। अब कई बार क्या होता है कि मोटर की कंटिन्यूटी बराबर आ रही है, बॉडी शॉर्ट भी नहीं है, तो कई बार सप्लाई की भी दिक्कत पड़ती है। कई बार सप्लाई जो उसे वहाँ पे नहीं मिल पाती, तो उस केस में कई बार PCB से ही सप्लाई आउट नहीं हो पा रही। तो उसमें आपको PCB से सप्लाई आउट हो रही है या नहीं हो रही है, आपको सप्लाई भी चेक करनी पड़ेगी। अगर आप वहाँ पे जाँच कर रहे हो और देख रहे हो कि मोटर में सप्लाई प्रॉपर आ रही है और मोटर जो है हमिंग साउंड कर रही है, जैसे कि कुछ अटक गया उसमें या वो जाम हो गई हो, तो उस केस में भी आपको ये एरर देखने को मिलेगा। तो उसमें आपको जो बेल्ट है वो चेक करना है, गियर बॉक्स को चेक करना है, क्योंकि कई बार गियर बॉक्स जो है वो मोटर को जाम कर देता है, मोटर को चलने नहीं देता। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये टेक्निकल चीज़ें, ये आपको पूरी तरह से चेक करनी पड़ेगी। अगर मोटर हमिंग साउंड दे रही है, मोटर घूमने की कोशिश कर रही है, घूम नहीं पा रही है, तो उस केस में आप जो है उसका बेल्ट निकाल लीजिए और फिर चालू करके देखिए। अगर मोटर चल रही है तो इसका मतलब ये है कि गियर बॉक्स में ही कहीं ना कहीं फॉल्ट है, गियर बॉक्स अटक रहा है। गियर बॉक्स के जो गरारे हैं, जो ब्रेक है, वो आपको चेक करना पड़ेगा, तब जाकर के ये समस्या सॉल्व होगी। हम एक स्पेशली गियर बॉक्स का वीडियो बनाएंगे, जिसमें मैं LG के वॉशिंग मशीन में आपको बताऊंगा, आपको सारी वॉशिंग मशीन का समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ गया EA और EB का मतलब। E1 एरर आपको काफ़ी सारे वॉशिंग मशीन में भी देखने को मिला होगा, मेरे ख्याल से LG में भी आपको देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे E1 का मतलब ये है कि वाटर अंदर नहीं आ रहा, मतलब कि अंदर पानी नहीं गिर रहा। आपने वॉशिंग मशीन चालू कर दी है और उसका ड्रेन मोटर चालू हो गया, लेकिन पानी नहीं आ रहा उसके अंदर, क्योंकि कुछ देर तक तो वो मोटर चालू होगी और उसके बाद में जब तक वो सेंस नहीं कर पाएगी, उसके थोड़ी देर के बाद में E1 एरर आ जाएगा। तो उसमें आपको जो है नल चेक करना है, आपके नल में पानी आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आपके नल में पानी आ रहा है तो आपने जहाँ पे उसका पाइप लगाया है उसके पाइप के पास में कचरा आ गया होगा, जिसके वजह से पानी जो है वो ब्लॉक हो गया, जाम हो गया, आगे नहीं बढ़ पा रहा,
तो आपको वो चेक करना होगा। कई बार एसवी वॉल में भी फॉल्ट हो जाता है, एसवी वॉल आपको चलने की आवाज आ रही है लेकिन एसवी वॉल जो है उसके दरवाजे को खींच नहीं पा रहा। एसवी वॉल का काम है मैग्नेटिक पावर बनाना और शटर को ऊपर खींचना ताकि पानी अंदर आ सके। अगर वो मैग्नेटिक वहां पे पावर नहीं बना पा रहा या कई बार मैग्नेटिक पावर तो बना लेता है लेकिन जंग लगने की वजह से उस शटर को ऊपर नहीं खींच पाता, उस वजह से वो अटक जाता है, जाम हो जाता है, तो उस केस में भी आपको जो है एसवी वॉल भी चेक करनी पड़ेगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि आपको नल का पानी चेक करना है। नल का पानी अगर सही आ रहा है तो कहीं पे ब्लॉकेज है या नहीं है वो चेक करनी है और एसवी वॉल को भी चेक करना है। अगर फिर भी मन में डाउट लगे तो आप ऊपर से बाल्टी भर के पानी डाल दीजिए, E1 एरर हट जाएगा। तो मैंने ये आपको सोल्यूशन बताया है, बाकी आपको समस्या का पूरा समाधान निकालना है तभी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे सारी चीज समझ में आ गई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चौथा है 4ED, बहुत लंबा एरर है, 3 शब्द का एरर है ये। अभी न्यू मॉडल में तो आपको बहुत सारे एरर देखने को मिलेंगे। अच्छा, 4ED का मतलब है टेम्परेचर सेंसर में प्रॉब्लम। अब टेम्परेचर सेंसर उन वॉशिंग मशीन में लगा हुआ होता है जिसमें हीटर लगा हुआ होता है, अगर वो सेंसर खराब हो जाता है तब आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो कुछ नहीं करना है, आपको सेंसर रिप्लेस करके देखना है कि सेंसर डिफेक्ट तो नहीं है। अगर सेंसर के पास में अगर उसकी पावर सप्लाई नहीं आ रही है तो फिर आपको PCB से पावर सप्लाई को चेक करना पड़ेगा। सेंसर को DC वोल्टेज मिलते हैं, ये ध्यान रखिए DC वोल्टेज जितने मिलने चाहिए वो अगर वोल्टेज वहां नहीं मिल रहे हैं तो PCB में प्रॉब्लम है। अगर PCB से वोल्टेज आ रहे हैं सेंसर सेंस नहीं कर पा रहा है तो सेंसर में प्रॉब्लम है। तो आपको सेंसर चेंज करके ही देखना पड़ेगा तभी आपको चीज समझ में आएगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया ये समस्या जिसमें हीटर लगा हुआ होता है उसी में आपको देखने को मिलेगी। पांचवा है E2, इसका मतलब है कि आपका ड्रेनेज प्रॉब्लम है, मतलब कि पानी जो है वो ड्रेन नहीं हो पा रहा है। तो उस केस में आपको ड्रेन मोटर जो है वो चेक करनी पड़ेगी। अगर आपको लग रहा है कि ड्रेन मोटर जो है प्रॉपर वर्क कर रही है, वो अपने तरफ जो है शटर को खींच रही है, मतलब ड्रेनेज वॉल की जो पिन लगी हुई होती है उसको अपने तरफ खींच रही है लेकिन फिर भी ड्रेन नहीं हो रहा था, तो इस केस में आपको ड्रेन मोटर चेक करनी पड़ेगी। ड्रेन मोटर अगर डिफेक्ट हो जाती है तो ये समस्या आती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि ड्रेन मोटर प्रॉपर वर्क कर रही है, ड्रेन रबड़ वॉल को अपनी तरफ भी खींच रही है लेकिन समस्या ये आ रही है कि पानी जो है बाहर नहीं निकल पा रहा, तो उस केस में कई बार उस जगह पे कचरा फंस जाता है या कपड़ा भी फंस जाता है। अब कचरा तो उसमें वही होता है जो रेशियो निकलते हैं कपड़े के वो फंस जाते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा भी नहीं फंसते, लेकिन कई बार छोटे छोटे कपड़े होते हैं वो नीचे की तरफ चले जाते हैं तो वो वहाँ पे फंस जाते हैं। उस केस में जो है पानी जल्दी से बाहर नहीं निकल पाता तब आपको ये एरर देखने को मिलेगा। सपोज कीजिए आपके ड्रेन मोटर बिल्कुल सही है, आप वोल्टेज दे करके चेक कर रहे हो तो वो प्रॉपर वर्क कर रही है, तो उस केस में आपको PCB बोर्ड से आने वाली सप्लाई को चेक करना पड़ेगा। अगर PCB बोर्ड से सप्लाई नहीं आ रही है तो PCB बोर्ड में दिक्कत है, उस केस में आपको PCB बोर्ड ही चेक करना पड़ेगा कि उसमें से वोल्टेज बाहर क्यों नहीं आ रहे, क्या उसकी रिले खराब हो गई या उसमें लगा हुआ कंपोनेंट खराब हो गया, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा तभी ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। PH1 एरर, ये एरर है पावर सप्लाई की वजह से। पावर सप्लाई अगर कम आ रही है या पावर सप्लाई बहुत ज़्यादा आके चली गई है तो उस केस में आपके PCB बोर्ड में कोई ना कोई ऐसा कंपोनेंट है वो खराब हो गया है या उसके वजह से जो DC वोल्टेज या पावर सप्लाई आनी चाहिए वो पावर सप्लाई प्रॉपर नहीं आ रही या पावर सप्लाई बहुत ज़्यादा आ रही है, तो उसके लिए आपको PCB बोर्ड चेक करना पड़ेगा। और कई बार ऐसा भी हो जाता है अगर कोई पार्ट बॉडी शॉर्ट हो जाता है तो उसकी बॉडी में अर्थिंग बनने लगती है, मतलब कि करंट बनने लगता है, जिस वजह से भी ये एरर आपको देखने को मिलेगा। देखिए अप्लायंसेस में समस्या कोई भी हो लेकिन हमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को चेक करना बहुत ज़रूरी होता है तभी हमें सारी चीज़ें समझ में आती है। हमारे जितने भी टेक्नीशियन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी यही कहूँगा कि हमेशा हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप चेक करना चाहिए, शॉर्टकट में नहीं जाना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि ये एरर इसके वजह से आ रहा है या ये समस्या इसके वजह से है तो सबसे पहले तो आप उसी को ही चेक करिए। अगर वो सॉल्व नहीं होती है तो जो स्टेप है जहाँ से शुरुआत होनी चाहिए वहाँ से उसे शुरुआत कीजिए। देखिए हर किसी की शुरुआत अलग अलग तरीके से होती है, मेरी शुरुआत मैं किसी अप्लायंसेस पे करता हूँ तो वो अलग तरीके से करता हूँ, आप में से सबकी अलग अलग तरीके से शुरुआत होती है, तो अपने शुरुआत जो है स्टेप बाय स्टेप करिए तभी आपकी समस्या का समाधान होगा। अगर हम एक ही चीज़ के ऊपर अटक के बैठ जाएंगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन हो नीचे कमेंट करके इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी बता सकते हैं, उन सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। PLO, ये एरर भी पावर सप्लाई की वजह से है। ये एरर PCB बोर्ड में अगर कोई पावर सप्लाई का कंपोनेंट खराब हो गया है तब भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो इस केस में भी आपको जो है PCB बोर्ड को भी चेक करना है, तो ये दोनों के दोनों सेम है। अब मैंने अलग अलग क्यों बताया, क्योंकि ये अलग अलग चीज़ के ऊपर वर्क करता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया। 13E,
ये एरर आपको जिसमें दो पीसीबी लगी हुई होती है उसमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि टॉप लोड हो या फ्रंट लोड हो, वॉशिंग मशीन दोनों में से कोई भी हो सकती है। तो इनमें कई बार दो पीसीबी लगी हुई होती है जिसमें कम्युनिकेशन के वजह से ये एरर देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या होता है, जो मेन पीसीबी है वो छोटी पीसीबी अलग से एक लगी हुई होती है किसी कंपोनेंट के लिए, किसी वर्किंग के लिए। उस पीसीबी से और मेन पीसीबी में जो कम्युनिकेशन होता है वो अगर कनेक्शन एरर हो जाता है या वोल्टेज नहीं दे पाता प्रॉपर तरीके से, या वो एक दूसरे को सिग्नल नहीं दे पा रहे प्रॉपर तरीके से, तो ये एरर आपको देखने को मिलेगा। तो उस केस में सबसे पहले आपको चेक करना है मेन पीसीबी से सब पीसीबी के ऊपर जो कम्युनिकेशन जाता है उसमें वोल्टेज कितने कितने आने चाहिए, और वहाँ पे आ नहीं रहे या उससे ज़्यादा आ रहे हैं या उससे कम आ रहे हैं, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन से कंपोनेंट में दिक्कत है या वोल्टेज कम क्यों आ रहे हैं। देखिए, जितनी भी पीसीबी बोर्ड होते हैं सारे अप्लायंसेस के, उसमें सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज का खेल होता है। वोल्टेज के ऊपर ही सारी चीजें वर्क करती है, कौन सा वोल्टेज कहाँ से कैसे मिलना चाहिए, किस कंपोनेंट से किसको क्या कमांड मिलती है, वो सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें जो है कंपोनेंट के खेल के ऊपर है। जितनी भी आईसीयां लगी हुई होती है, जितने प्रोग्राम किए हुए होते हैं आईसीयो के अंदर, वो सारी चीजें प्रोग्रामिंग के ऊपर चलती है। तो ये सारी चीजें वोल्टेज के ऊपर भी डिपेंड करती है, सिग्नल के ऊपर डिपेंड करती है कि किस वायर से कितने वोल्टेज या कितने सिग्नल जाने चाहिए, उसको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, ये आपको चेक करना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी ये समस्या सॉल्व होगी। अगर आपको पीसीबी का काम आता है तो आप उसे चेक कर लीजिए, नहीं तो जो पीसीबी रिपेयर करते हैं उनके पास वो पीसीबी ले जाइए, वो आपको ठीक करके दे देंगे। 12E मतलब कि 12E, अब इससे पहले 13E देखा था, अब देख रहे हैं 12E। इसका मतलब है कि आपके जो पावर बटन है उसमें कोई ना कोई फॉल्ट है या वो वर्क नहीं कर रहा प्रॉपर तरीके से। उस केस में आपको उसके पावर बटन को ही चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप अपने वॉशिंग मशीन के जो गेट है, जो दरवाज़ा है, उसे आप चेक करिए, और उसके बाद में वापस प्रेस करके देखिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो पावर बटन को निकाल के चेक करिए, क्योंकि पुश बटन लगे हुए होते हैं, कई बार ये पुश बटन जो है प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करते, खराब हो जाते हैं मॉइस्चर आने की वजह से, कार्बन आने की वजह से वो वर्क नहीं कर पाते। तो कुछ नहीं है, पुश बटन जिस तरह से काम करते हैं उसी तरह से उसमें आपस में उन चीज़ों को शॉर्ट करना होता है। अगर वो वर्क कर रहा है तो इसका मतलब यही है कि पुश बटन काम नहीं कर रहा है, या पुश बटन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर उसमें कंटिन्यूटी आ रही है तो काम कर रहा है, कंटिन्यूटी नहीं आ रही है तो वो काम नहीं कर रहा, उसे आप रिप्लेस कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं जितने भी एरर कोड बता रहा हूँ, जितनी भी उनकी समस्याओं के बारे में बता रहा हूँ, इसके अलावा भी अगर कोई समस्या आती है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं उसके ऊपर रिसर्च जरूर करूंगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं जो बता रहा हूँ उसके अलावा भी और कुछ समस्या भी आती है उसमें, उस एरर के वजह से। तो ये तो काम करते करते सारी चीजें पता चलती है, एकदम से सारी चीजें पता नहीं चलती। जब हम काम करते हैं किसी चीज पे तभी जाकर के पता चलती है कि इस एरर से ये भी समस्या आ सकती है। तो ये समस्या मेरे साथ तो होती होती है, और हो सकता है कि आप में से कईयों के साथ में भी होती है। तो आप में से जो भी इस चीज के बारे में नीचे कमेंट करके बताएगा कि इस एरर से ये भी समस्या आती है, उससे मुझे तो सीखने को मिलेगा, बाकी औरों को भी सीखने को मिलेगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 14E कंट्रोल बटन इशू। अब कंट्रोल बटन में क्या इशू हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, कंट्रोल बटन कई बार काम नहीं करता, पुश बटन कई बार काम नहीं करता। पुश बटन के अंदर आपको पता है कि उसमें चार टांगे होती है, जिसमें से कई बार दो टांगे एक दूसरे को काम तो करती है लेकिन दो टांगे काम नहीं करती। तो ये समस्या आती है कार्बन होने की वजह से, क्योंकि वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में अगर ठंडा गर्म का सिस्टम लगा हुआ होगा, गर्म करने का, पानी गर्म होने का भी, हीटिंग रॉड लगी हुई होगी, तो ये समस्या आती आती है। और ये समस्या वॉशिंग मशीन में भी नहीं, फ्रिज में और एसी में भी आती है। इस केस में आपको बटन तो चेंज करना ही करना है, बटन को चेक करना ही है, लेकिन साथ ही साथ बटन के पास में जो वोल्टेज वहाँ से जाने चाहिए उसके लिए आपको उसे शॉर्ट करके देखना पड़ेगा। शॉर्ट करने से पता चल जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज ही नहीं जा रहे, बटन तो ओके है, तो उसमें आपकी पीसीबी में ही कोई ना कोई दिक्कत है, कोई ना कोई कंपोनेंट शॉर्ट हो गया है, इस वजह से जो है वोल्टेज आगे नहीं पढ़ पा रहा और वो काम नहीं कर रहा है बटन। क्योंकि अगर आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे, बटन ओके निकल रहा है, तो उसका मतलब यही कि पीसीबी में ही कहीं ना कहीं पे दिक्कत है। तो उसके लिए आपको पीसीबी चेक करनी पड़ेगी या पीसीबी वाले से उसे रिपेयर कराना पड़ेगा। 18E इसमें भी बटन डिफेक्टिव है। अब इसमें कंट्रोल बटन डिफेक्टिव नहीं है, बाकी के कई बटन जो है वो डिफेक्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारे बटनों की प्रॉब्लम है तो ये आखिर समझ में कैसे आएगी, पीसीबी में लगे हुए होते हैं ये,
इन्हें क्या बाहर निकाल निकाल के चेक करना पड़ेगा? बिल्कुल, इन्हें बाहर निकाल के चेक करना पड़ेगा। और पीसीबी जो है पूरी तरह से सील होती है, उसे उसके ऊपर से जो वाटर प्रूफिंग के लिए उसके ऊपर ग्लू डाला हुआ होता है वो आपको हटाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में वो बटन आपसे चेक होंगे। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो 18E 14E वगैरह जो एरर है बटनों वाले, ये बहुत कम आते हैं। इनके डिफेक्ट होने के सिर्फ 1% चांस होते हैं। 1% इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा केस हमारे पास में बहुत 100 में से एक बार आया होगा, और मुझे तो गिनती ही नहीं पता कि वो आया भी है या नहीं आया। तो ये बहुत कम चांस होते हैं। अगर ये एरर आपको देखने को मिलता है तो आपको ये चेक करना है, इसलिए मैं आपको ये एरर बता रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ गया। कुछ बटन है उनको चेक करिए, पीसीबी में से वोल्टेज जा रहा है या नहीं जा रहा बटन को दबाने के बाद में, वो भी चेक करिए। E8, अब E8 एरर तब आता है जब आपका कूल डाउन वाटर या हॉट वाटर में दिक्कत आ रही हो। मतलब ये कि अगर किसी वॉशिंग मशीन में दो SV वॉल लगे हुए हो और दोनों इनलेट हो, जिसमें एक गर्म पानी का और एक ठंडे पानी का, अगर आप वहाँ पे ठंडे और गर्म दोनों को एक साथ दबा रहे, क्योंकि कई बार हमें जो है ठंडा गर्म मिक्स वाटर चाहिए होता है, तो हम बटन को दबा देते हैं वहाँ से कमांड देने के बाद में, तो उसमें से सिर्फ एक पानी आता है, दूसरा पानी नहीं आता। इसका मतलब यह है कि दूसरी SV वॉल नहीं चल रही है और गर्म पानी अंदर नहीं आ रहा, तो उस केस में आपको E8 देखने को मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको SV वॉल चेक करनी है, गर्म पानी के इनलेट पाइप है उसे चेक करना है, पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर इनलेट वॉल बिल्कुल ओके है, आप उसमें सप्लाई दे करके चेक कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, तो पीसीबी बोर्ड में से उसमें सप्लाई आनी चाहिए, वो आ रही है या नहीं आ रही वो आपको चेक करना है। कई बार रिले खराब हो जाती है, कई बार उसमें लगे हुए IGBT वगैरह खराब हो जाते हैं, कंपोनेंट खराब हो जाते हैं PCB में लगे हुए, उन्हें आपको चेक करना पड़ेगा। तो जैसा कि मैं बताता हूँ हमेशा, अगर आपको नहीं आता तो किसी से करवा लीजिए, लेकिन बेसिक चीज़ें जो है वही ज़्यादातर खराब होती है। ज़रूरी नहीं कि हर बार PCB ही खराब हो, बेसिक चीज़ें जैसे कि SV वॉल खराब हो, SV वॉल में कनेक्शन नहीं आ रहा, तो कहीं से वायर डिफेक्ट हो गई हो, या हो सकता है कि उनकी वॉशिंग मशीन जहाँ रखी हो वहाँ पर चूहे आते हो, उन्होंने वायर काट दी हो, तो ये बेसिक चीजें हैं। ये सारी चीजें चेक करने के बाद ही पीसीबी पे डिसीजन लेना चाहिए, तब जाकर के आपको समझना चाहिए कि सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट है, अब ये पीसीबी की ही प्रॉब्लम है। उस केस में आपको पीसीबी रिपेयरिंग करने के लिए निकालनी पड़ेगी। ED एरर तब आता है जब आपके वॉशिंग मशीन का डोर जो है वो प्रॉपर तरीके से बंद नहीं हुआ है, या वो लॉक नहीं हो पा रहा है, या किसी में क्या होता है कि मैग्नेट लगा हुआ होता है, वो मैग्नेट प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, और जहाँ पे मैग्नेट वर्क करना चाहिए, जिस कंपोनेंट के पास में मैग्नेट वर्क करना चाहिए, वो कंपोनेंट अगर खराब हो जाए तो भी ये एरर आपको देखने को मिलेगा। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के अंदर क्या होता है कि जो सामने वाला दरवाजा है वहाँ पे उसके लॉक के पास में एक स्विच लगे हुए होते हैं, वो स्विच अगर काम नहीं कर रहे हैं तो भी ये आपको एरर देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जो समस्या आती है वो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की आती है, टॉप लोडेड वॉशिंग मशीन की नहीं आती। सबसे बड़ी समस्या तो तब आती है जब उसका दरवाजा या तो लगाते समय टूट जाता है, या जहाँ पे उसे लगाना होता है वहाँ का लॉक टूट जाता है, तब ये समस्याएं बहुत आती है। ना ही वो दरवाजा कई बार मिल पाता है, ना ही उसका लॉक मिल पाता है, ये बहुत बड़ी समस्या है फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के साथ में। टॉप लोड वॉशिंग मशीन के साथ में इतनी समस्या नहीं होती उसके दरवाजे को लेके, उसके डोर को लेके। तो यदि आप में से कोई वॉशिंग मशीन खरीदना चाहता है तो उन्हें मैं यही कहूँगा कि टॉप लोड वॉशिंग मशीन ही खरीदिए, फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन मत खरीदिए। बाकी आप लोगों की चॉइस है, आपको कौन सी पसंद है। FE, ये एरर तब आता है जब किसी वॉशिंग मशीन में हीटर लगा हुआ हो और उसके पास में जो फैन लगा हुआ होता है वो गर्म हवा को वॉशिंग मशीन के अंदर फेंकता है ताकि कपड़े जो है ड्राई तो हो साथ में जल्दी से सूख भी जाए। तो उस केस में जो फैन मोटर है वो अगर डिफेक्ट हो जाती है या खराब हो जाती है या वो चल नहीं पाती है तो उस वजह से ये एरर आपको देखने को मिलेगा। तो उस केस में आपको फैन मोटर चेक करनी है और फैन मोटर के पास में जो सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही उसे भी चेक करना है। यदि सप्लाई आ रही है तो फैन मोटर की कॉन्टिन्यूटी चेक करिए या फैन मोटर को रिप्लेस करिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं इस तरह की वॉशिंग मशीन बहुत कम लोग लेते हैं, ज़्यादातर आपको इससे हीटिंग वाली, ये जो गर्म होने वाली है और जिसमें एलिमेंट रॉड लगा हुआ हो, ये वाली वॉशिंग मशीन जो है आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, क्योंकि ये वॉशिंग मशीन जो होती है 30-30, 40-40, 50-50 हज़ार तक की वॉशिंग मशीन होती है, ये वाली वॉशिंग मशीन बहुत कम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जितने भी एरर बता रहा हूँ ये आपको एरर से ही समझ में आ जाएगा कौन सी वॉशिंग मशीन में आता है। हमारे जो नॉर्मल वॉशिंग मशीन है फुल्ली ऑटोमेटिक, उसमें ये एरर आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत कम चांस है, क्योंकि उसमें फैन मोटर होगी नहीं तो आप एरर कहाँ से देखेंगे। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ गया। E5,
इसका मतलब है कि वाटर हीटर जो लगा हुआ है पानी को गर्म करने के लिए, वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा, मतलब कि गर्म नहीं हो रहा है, या वो चल नहीं पा रहा है, या वहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहे, या वो डिफेक्ट हो गया, खराब हो गया है, उसके वजह से आपको ये एरर देखने को मिलेगा। तो उस केस में आपको हीटर तो चेक करना ही करना है, साथ ही वहाँ पे सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही वो भी आपको चेक करना है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पीसीबी से एसी वोल्टेज डायरेक्ट नहीं आता है, उसमें रिले लगी हुई होती है जो उसे ऑपरेट करती है एसी से एसी सप्लाई देने के लिए, मतलब कि एक स्विचिंग का काम करती है, तब वहाँ पे एसी वोल्टेज आता है। अगर वो रिले ऑपरेट नहीं हो पाती है या वो रिले किसी कारण से खराब हो जाती है, तब भी आपको ये एरर देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ हर एरर पर कि आपको पीसीबी भी चेक करनी है, बाद में जब आपको लगता है कि इधर की सारी चीज़ें ठीक है, अब जो है वो पीसीबी के तरफ की ही चीज़ें जो है वहीं पे कहीं ना कहीं दिक्कत है या वहीं की चीज़ें कोई ना कोई ख़राब है। HE2 ड्रायर हीटर नॉट फंक्शन, मतलब कि यहाँ पे जो ड्रायर के लिए एक हीटर लगा हुआ होता है वो अगर फंक्शन नहीं कर रहा है या चल नहीं रहा है, वहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही, तो ये HE2 एरर आता है। तो समझ में आ गया कि इससे पहले वाले में जो मैंने बताया वही आपको सारी चीज़ें वहाँ पे चेक करनी है। E9 और 11E, मतलब कि E9 और 11E, ये एरर तब देखने को मिलेगा अगर ड्रेनेज लीकेज है तो, क्योंकि ड्रेन पानी वो अगर लीक हो रहा है, कई बार क्या होता है कि लीक होने की वजह से जो सेंसर है वो उसको सेंस नहीं कर पाता और वहाँ पे वो आपको एरर देखने को मिलेगा। और ये एरर आपको जो है बहुत कम देखने को मिलेगा, ये ज़्यादा केस में आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। और ये एरर आपको कई कई मॉडलों में देखने को मिलेगा और कई कई मॉडल में आपको देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि ये सैमसंग जो है इतने सारे एरर बना दिए, इतने सारे मतलब क्या बताऊँ मैं, इतने एरर तो LG के वॉशिंग मशीन में नहीं है जितने इसमें है। अभी तो मैं आपको ओल्ड मॉडल के बता रहा हूँ, न्यू मॉडल के अगर एरर आप देखेंगे ना तो आप बोलोगे ये क्या है, मतलब इसे हम सीखे कैसे, रिपेयर कैसे करें। खैर छोड़िए, हमें तो काम करना है तो सीखना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने शुरू में कहा है कि आपको सारे एरर जो है लिख के रख लेने या मोबाइल में नोट करके रख लो, क्योंकि एरर तो मैं भी भूल जाता हूँ कई बार। तो आपको समझ में आ गया E9 और 11E का मतलब है कि वाटर लेवल कहीं ना कहीं पे ड्रॉप हो रहा है या वाटर लीकेज है, इस वजह से ये एरर आपको देखने को मिलेगा। तो लीकेज कहाँ कहाँ होती है ये आप समझ लीजिए, लीकेज जहाँ पे नीचे मोटर लगी हुई होती है, गियर बॉक्स लगा हुआ होता है, वहाँ लीकेज होती है। दूसरी ड्रेनेज मोटर जहाँ पे लगी हुई होती है, रबड़ वॉल्व जहाँ लगा हुआ होता है वहाँ पे लीकेज होती है। तीसरी जहाँ पे वाटर लेवल सेंसर की पाइप लगी हुई होती है वहाँ पे कई बार जो है पाइप लूज हो जाती है या कई बार जो है चूहे तोड़ जाते हैं, वहाँ से भी लीकेज हो जाती है। तो उस केस में आपको जो है लीकेज चेक करनी है सब जगह कि कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई लीकेज है जिसकी वजह से आपको ये एरर आ रहा है। तो इसमें आपको कोई कंपोनेंट नहीं चेक करना है, सीधे सीधे आपको लीकेज ही चेक करनी है, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि पानी जो है थोड़ी देर के बाद में कम हो रहा है, या पानी अगर बाहर निकल रहा है तो समझ में आ जाएगा कि भाई वॉशिंग मशीन में से तो पानी बाहर निकल रहा है। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ गया। E3 एरर मतलब कि ओवरफ्लो। अब ओवरफ्लो कब होता है, जब उसमें पानी भरे जा रहा है और जो है ओवरफ्लो हो गया। अब इसमें समस्या क्या है, SV वाल्व तो प्रॉपर काम कर रहा है, जब बटन दबाते तब SV वाल्व चालू हो जाता है और पानी अंदर भरता रहता है, SV वाल्व बंद नहीं हो रही। तो इसमें यही समस्या है कि SV वाल्व बंद नहीं हो रही। तो उस केस में आपको जो है सैमसंग की PCB को चेक करना पड़ेगा, जो मेन PCB है वहाँ से SV वाल्व के लिए जो सप्लाई आ रही है उसे आपको चेक करना पड़ेगा कि वो डायरेक्ट कैसे हो चुकी है, जबकि वहाँ पे जो है प्रेशर सेंसर उसे बंद नहीं कर पा रहा। तो कुल मिला के ये है कि वहाँ पे कोई ना कोई कंपोनेंट या ट्रांजिस्टर उसका खराब हो गया है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो कुल मिला के यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ PCB की समस्या है, क्योंकि SV वॉल्व जो है वो कंटिन्यू चल रहा है और ओवरफ्लो हो रहा है पानी। तो SV वॉल्व को बंद होना चाहिए एक वाटर लेवल के हिसाब से, जितना वाटर लेवल हमने उसमें सेट किया है वहां तक उसे बंद हो जाना चाहिए, लेकिन वो बंद नहीं हो रहा है, चालू रह रहा है और कंटिन्यू चले जा रहा है। तो उसके लिए सिर्फ आपको जो है PCB बोर्ड ही चेक करना पड़ेगा, PCB बोर्ड में ही कहीं ना कहीं पे फॉल्ट है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया। EC ये होता है टेम्परेचर सेंसर का प्रॉब्लम। अब ये टेम्परेचर सेंसर उन वॉशिंग मशीन में लगा हुआ होता है जिसके अंदर हीटर लगे हुए होते हैं, क्योंकि वही टेम्परेचर को सेट करके रखता है। अगर टेम्परेचर सेंसर ना हो हीटर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और आग भी लग सकती है और फूट भी सकता है वो। तो इसलिए उसे सेंस करने के लिए, उसको कट ऑफ करने के लिए वहाँ पे एक टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ होता है। तो उस सेंसर के खराब होने की वजह से ये एरर आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ गया। E4 एरर ये तब आता है जब आप उसमें कपड़े ज़्यादा डाल दो, जो स्पिन करने के लिए अगर आप कपड़े ज़्यादा डाल दोगे
ओवरलोड कर दोगे वॉशिंग मशीन को, तब आपको ये एरर देखने को मिलेगा। ये एरर चाहे वो टॉप लोड वॉशिंग मशीन हो या फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन हो, दोनों में ही देखने को मिलेगा। और मैं यहाँ पे जितने भी एरर बता रहा हूँ ये फ्रंट लोड और टॉप लोड दोनों के लिए बता रहा हूँ। तो आपको समझ में आ गया, ये एरर होता है अनबैलेंस की वजह से और ओवरलोड की वजह से। अनबैलेंस भी तभी होती है जब आप उसमें कपड़े ज़्यादा डाल देते हैं तो वो अनबैलेंस हो जाती है, इधर उधर अंदर से टकराने लगती है। और ओवरलोड भी तभी होता है जब आप ज़बरदस्ती उसमें कपड़े डालेंगे। अगर वो 7 किलो की है तो आप उसमें 10 किलो कपड़े डाल रहे हो तो कहाँ से वो लेगा, कहाँ कैसे घूमेगा, वो दम घुट रहा है बेचारे का वो। तो इसलिए जितनी कैपेसिटी है उतने ही कपड़े डालिए और थोड़े थोड़े कपड़े डाल के स्पिन करिए। अच्छा, हमको सिखा दिया है, समझ रहे हो आप। तो ये थे हमारे टोटल 20 एरर, जिसमें डबल डबल भी आपको देखने को मिले होंगे। अगर वैसे काउंट करें तो ये ज़्यादा एरर है, लेकिन हमने टोटल यहाँ पे 20 एरर बताए। तो मैं आपको बता दूँ, ये जितने भी एरर है ये सैमसंग की ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगे। आप चाहो तो वहाँ से भी इसे चेक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज़ जो है वो सिमिलर देखने को मिलेगी। यहाँ पे साइड में आप देख रहे हो कि यहाँ पे 30 सेकंड के लिए जो है आपको अप्लायंसेस बंद करके रखना है, उसके बाद में चालू करना है और उसके बाद में उसे ऑन करके देखना है। अगर हो जाता है ठीक तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद आपको कस्टमर केयर में ही फ़ोन करना पड़ेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो है डिटेल में बताई है, आप समझ जाइए। क्योंकि ये तो सैमसंग वाले इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको उनको बुलाना ही पड़े, लेकिन हमने यहाँ पे आपको टेक्नीशियन, जितने भी हमारे टेक्नीशियन भाई है उनको सीखने के हिसाब से मैंने इसकी डिटेल पूरी बताई है। और सबके अलग अलग रीज़न थे। अगर फिर भी मन में कोई कन्फ्यूजन या कोई भी डाउट हो, नीचे कमेंट करके या इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे भी उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सबकी लिंक दे रखी है। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ गई और उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, मैं आपसे यही मांगता हूँ, एक लाइक। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सके और यहाँ से कुछ सीख सके। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।